पतंजलि का जो कहानी है बहुत ही सही कहानी है, और इसके इनके सक्सेस के पीछे तीन वजह है जो रामदेव जी ने कहा था, उसके अलावा मैं तीन वजह देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये क्यों सोचते हैं कि MNCs आर अनबीटेबल। आप पहले से देखें, निर्मा ने जो सर्फ की ले ली थी, और जो ज्योति ने वाकी ब्रांड्स की ले ली है, और इमामी ने पॉन्ड्स की को वाट लगाया। हमारे ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं वेयर वी कैन टेक ऑन ग्लोबल FMCG। ऐसे कोई कुछ सेक्रेट नहीं है ग्लोबल FMCG के बारे में कि हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन प्ले। अगर आप जाके चैनल में सबको बता सकते हैं कि देखो भैया इसके लिए डिमांड होगा, इसको लगा दीजिए, और जो आपके जो दुकानदार है वो आपको जानते हैं, ये पूरा जो दुकानदार लोगों हैं ये सब जानते हैं, ये वर्क के लोग सब जानते हैं रामदेव जी को। सो देयर इज़ अ ह्यूज एडवांटेज है। और तीसरा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ आप ये देखेंगे, ये जो बड़े बड़े FMCG हैं उनका हर एक प्रोडक्ट का हर एक कैटेगरी में अलग ब्रांड नेम होता है। आप नेस्ले दीजिए, या तो नेस्क्विक होगा, या तो मैगी होगा, या कुछ होगा, या कुछ और होगा, या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लेंगे तो हर एक कैटेगरी में शैम्पू का अलग नाम होगा, सोप का अलग नाम होगा। पर आप यहाँ पतंजलि ब्रांड में देखिए, या आप शैम्पू खरीदेंगे तो एक ही ब्रांड है पतंजलि, आटा खरीदेंगे तो वही ब्रांड है, घी खरीदेंगे तो वही ब्रांड है, दूध खरीदेंगे तो वही ब्रांड है, दंत मंजन खरीदेंगे तो वही ब्रांड है। एक ब्रांड को आप, ये दिस इज यूनी ब्रांड स्ट्रेटेजी है। आजकल के बड़े बड़े ब्रांड जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जी, याहू, एप्पल जैसे एक ही ब्रांड को पालन करते हैं, जो FMCG के प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर टाइप के मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी आजकल डेड है। तो ये बहुत ही क्लेवर चीज, या तो एक्सीडेंट हो या डायरेक्शन से किया, कि एक ही ब्रांड है। और अगर आप एक पतंजलि का घी ले लेंगे तो उसके बाद आप सोच देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, उनका टूथपेस्ट भी ले लेंगे, कोई और FMCG सोचता नहीं है। ये जो सोच है एकदम सही है, हैव ओनली वन ब्रांड टू प्रमोट। ठीक है, एक ब्रांड जब ऐड करते हैं सारा प्रोडक्ट पे प्रमोट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके